सर साउंड नहीं आ रहा है। सो ओ अच्छा, भूल गए थे। तो यहाँ पर जो है उससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, आपका राउंड डोर। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेकोरेटिव आपका हैंडल। ये आपका डेकोरेटिव हैंडल इस तरह से नाम से ही पता चल रहा है कि ये देखने में डिजाइन होगा, सुंदर होगा। इसमें से लॉकिंग प्रोवाइड करेंगे। इसमें से आप साथ क्या कर रहा है कि डेकोरेटिव डोर लेवल्स आर ए लॉट ऑफ राइज टू यूज टू देन द रेगुलर डोर्स नॉब्स। ठीक है, रेगुलर डोर जहाँ पर नॉब्स का यूज करते हैं उसी जगह पर इसका भी यूज करते हैं। एंड द एडेड टच ऑफ द एलिगेंस टू द एनी होम, मतलब कि कुछ भी एलिगेंस होगा, दे आर रिवर्सेबल फॉर द राइट एंड राइट साइड ऑफ डोर। यहाँ पर रिवर्सेबल राइट साइड और राइट साइड ऑफ द डोर यहाँ पर जो हो करना पड़ेगा तभी जो है ओपन होगा। इसमें आपका कुछ एक्स्ट्रा एडवांस लॉकिंग सिस्टम प्रोवाइडेड रहता है। ठीक है, मार्केट में अभी इस बहुत वैरायटीज वैरायटीज के इसमें अवेलेबल हो गया है। ये है आपका बोट हैंडल। ठीक है, क्योंकि बोट हैंडल क्या है, हम लोग इसको देखे हैं, बहुत जगह पे लगा हुआ था, डोर में प्रोवाइडेड रहता है। बहुत सारे डिजाइनिंग के से आपका हैंडल्स का यूज करते हैं। हैंडल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन ए वैरायटीज ऑफ डिजाइन। यहाँ पर नंबर ऑफ वैरायटीज डिजाइन का यूज करते हैं। सम ऑफ द कॉमनली यूज टाइप ऑफ हैंडल्स आर, ठीक है, हम लोग जो है यहाँ पर जो कॉमनली यूज करते हैं इस टाइप का जैसा दिख रहा है उसी टाइप का कॉमन यूज होता है। तो हम लोग जो है ये आपका क्या होता है, इजिली मार्केट में अवेलेबल भी होता है, कम कॉस्ट में आता है और ये आपका लॉन्ग मतलब ड्यूरेबल होता है, लंबे टाइम चलने वाला होता है। ठीक है, तो ये आपका नंबर, इसको हम लोग जो है कॉमन यूज करता है। ये आपका हम लोग जब कॉमन यूज करते हैं इसी का लॉक। तो यहाँ पर है वेरियस टाइप ऑफ लॉक फिक्सर्स, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डोर के लिए आ गया है, आपका विंडोज के लिए आ गया है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम जो है इसका दिखा रहे हैं कि लॉक के लिए यहाँ पर जो है कुछ कुछ टाइप का नाम है और कुछ कुछ इसका यूजेस है। ठीक है, इस तरह से फिक्स करते हैं। बहुत सारा जो एडवांस आपका लॉकिंग आ गया है, अब तो कोडिंग और कोडिंग के साथ खुलने वाला भी आ गया, फिंगरप्रिंट लॉक आ गया है। तो इस तरह से आपका जैसे जैसे अभी लॉकिंग जो है आपका एडवांस हो गया। ठीक है, ये सब आपका पैडलॉग है।
ये रिम लॉक है और ये भी जो दिखाया कि आपका लीवर हैंडल स्ट्रोक। तो ये हमारा था आज का क्लासेस के लिए। तो एक और आपका जो है हम वीडियो अभी बनाया है, इसमें मेटल फिक्सर्स में भी आपका वही सेम ही हिंज है, ठीक है, बट हिंज है। फिर हम लोग जो है ब्लैक बैक फ्लिप हिंज है, ब्लैक फ्लिप हिंज इसमें फिगर में ऐसा दिखता है। फिर आपको काउंटर ट्रैप हिंज इस तरह से दिखता है, ठीक है, विलिटी आपका हिंज इस तरह से दिखता है। फिर आपका आगे स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग स्प्रिंग हिंग स्केम, इसमें स्प्रिंग्स प्रोवाइडेड रहता है। फिर है कि राइजर नट बट, यहाँ पर जैसे राइजिंग हो रहा है ऑटोमेटिक राइज हो रहा है और ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है इधर से। तो यही था आपका गर्नेट हिंज। गर्नेट हिंज क्या है, ये जो आपका फिक्स है और टी टाइप का, तो हम लोग अभी दिखा रहे थे थोड़ी देर पहले, इस फिगर में अच्छे प्रकार से समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम लोग गर्नेट यूज करके हैं। फिर स्टेप हिंज, स्टेप हिंज जो होगा डोर में हम लोग फिक्स करेंगे उसका आप यूज कर रहे हैं। यहाँ पर पिन हिंज, यहाँ पर एक पिंच हिंज है, पिन हिंज के साथ में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं पिंच हिंज का भी आपका यहाँ पर यूज किया गया है। और आपका है नर्मादी हिंज, ठीक है, नर्मादी हिंज एक नाम है, इस तरह से नर और मादी हिंज का इसको नाम दिया गया है, इस तरह से हम लोग लॉकिंग करने के लिए यूज किया। अब यहाँ पर क्या है कि बोल्ट्स, तो ये आपका बोल्ट्स का यूज किया है, तो किस किस टाइप का बोल्ट्स होता है, ये आपका जैसे अभी प्लस बोल्ट ही मतलब अभी देखे ना कि इजी हुक एंड इजी आई टाइप, ये है आपका लॉक करने के लिए। फिर आपका फ्लश, ऑटोमेटिक फ्लश करने के लिए जो है इस तरह से आप बाहर निकलेगा, ये उसको दबाएंगे तो अंदर चला जाएगा, ठीक है। अल्ट्रोप, ठीक है, अल्ट्रोप बोल्ट को हम लोग जो इस तरह से आपका दिखता है, इसमें आपको बहुत सारे डिजाइन आएगा, वेराइटीज आएगा, लेकिन एक्चुअली इसी को हम लोग बोलते हैं अल्ट्रोप बोल्ट, ठीक है। ये आपका कॉमन यूज किया जाता है आपका डोर्स में, ठीक है। बैरल बोल्ट्स क्या है, ये इस तरह से हम लोग लॉकिंग के लिए यूज करते हैं, आपका स्मूथ है, यानी कि इसको हम लोग इंटरनल जब अंदर में रहते हैं तो इस तरह से लॉकिंग करने के लिए करते हैं। ये इंटरनल में होता है और ये वाला क्या होता है आउटर में होता है, इस तरह से आउटर के पोर्शन में हम लोग इसको यूज करते हैं, इसको इंटरनल में करते हैं, ठीक है। ये आपका है इसके पे स्पेंजन स्पेंजिलिटी, ठीक है, स्पेंजिलिटी बोल्ट, इस तरह से स्पेंजल की बोल्ट का यूज करते हैं। यहाँ पर विंडोज का पोर्शन, विंडोज कैन नॉट बी रीच्ड इजीली, यहाँ पर जो जब विंडोज का पोर्शन था उसमें हम लोग लगाना आसान नहीं होता है, ठीक है। फिर आपका इस तरह से आ गया स्ट्रेट बोल्ट, बहुत सारे जो होगा बोल्ट हैंडल डिजाइन, आपका वेराइटीज, नंबर ऑफ जो डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटीज, ये आपका जितने भी सारा हैंडल्स है, ये आपका हैंडल्स है, ये हैंडल के साथ कुछ लॉकिंग है, ठीक है, ये आपका लॉकिंग है, यहाँ पर भी आप इस नीचे पोर्शन को लॉकिंग है। तो ये जो आपका सारा जो फिगर था, फिगर के साथ सारे जो आपका आज हम लोग पढ़े मेटल फिक्सर्स के बारे में, ठीक है, तो फिक्सर एंड फिट आपका फिटिंग्स के बारे में जान लिए। तो किसी को भी आपका फिटिंग्स और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हो। ओके, तो हम लोग जो है आज का जो ये चैप्टर जो है आपका मेटल फिक्सर्स का कंप्लीट हो गया है। इसमें हम लोग बात कर लेते हैं कि कोई भी डोर एंड विंडोज जब प्रोवाइडेड करेंगे उसमें क्या करना है, हम लोग टाइल्स को देखेंगे, लिंटेन को देखेंगे। तो प्रीवियस क्लास के साथ थोड़ा सा दोहराए थे कि आपका स्टोन लिंटेन प्रोवाइड करेंगे, स्टोन का लिंटेन होगा, आरसीसी का लिंटेन होगा, वुडन का लिंटेन होगा, ठीक है, एक मार्बल लिंटेन होगा और इसके साथ ग्रेनाइट लिंटेन होगा और पीसीसी लिंटेन होगा। तो यहाँ पर जो होगा इस तरह से नंबर ऑफ जो लिंटेन को प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सारे जो आपका लिंटेन है उसको ऑल लिंटेन को प्रोवाइड कर दिए हैं। ओके, ये जो आपका कॉन्क्रीट मिक्स, ठीक है, यहाँ पर जो कॉन्क्रीट मिक्स का भी डिजाइन होगा आरसीसी के स्लैब के साथ, इधर से हम लोग इसको प्रोवाइडेड करते हैं।
तो ये आपका जितने भी सारे जो होगा ओडन पार्ट्स के साथ हम लोग इसको फिक्स करते हैं, और फिक्स करने के बाद फिक्स करने के लिए ओडन को जितने भी फिक्सर्स का यूज करते हैं, फिक्सर्स भी पढ़ लिए, साथ ही साथ हम लोग क्या पढ़ लिए, आपका डोर एंड विंडोज। तो ये आपका भी चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कोई न्यू चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे। ओके, अब आपका फ्लोरिंग बचा है ना, रूफिंग तो हो गया था, फ्लोरिंग पढ़ेंगे, फ्लोरिंग के बाद फिर नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। तो आपका स्टेयर केस मैम पढ़ाएंगी, अगर मैम नहीं पढ़ाएंगी तो आप हमको इन्फॉर्म कर दीजिएगा, फिर हम पढ़ा देंगे। मैम बोल रही थी कि हमको कोई टॉपिक दे दीजिए जो हम पढ़ाएंगे, तो हमने हमको दे दिए हैं, मैम आपको भी पढ़ाएंगे। तो किसी को कुछ भी पूछना है, यस एंड नो, ओके। तो क्लास को एंड कर रहे हैं, यहीं पर क्लास को एंड कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास का टाइमिंग भी हो गया। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।